फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अगर मॉर्निंग में आपको भी बच्चों को टिफिन देना होता है और समझ में न आए कि ऐसा क्या दें जो बच्चे पूरा टिफिन खत्म करके आए और जो टेस्टी भी हो और साथ साथ हेल्दी भी हो, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच तेल, 2 छोटी। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4-5 मैंने लहसुन की कलियां ली थी और थोड़ा सा अदरक लिया था और इसको मैंने इस तरीके से क्रश करके ले लिया है। जैसे ही हमारे लहसुन और अदरक हल्के गुलाबी हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज ली है और प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है बारीक काट के। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारी जो प्याज है हल्की गुलाबी हो गई है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं। 2 पिंच डाल रही हूँ हींग। हींग से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब हम सभी चीजों को 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। हमारी 1 मिनट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ली है मटर। इसको भी इसमें डालकर सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। मटर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 3 आलू लिए थे। इस तरीके से मैंने इनको मोटा मोटा कट कर लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो हमारे आलू भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर लिया है। आप चाहे तो कोई ग्लास भी, पोटैटो मैशर की हेल्प से हम इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे या फिर आप चाहे तो इसको ग्रेट करके या फिर हाथ से मैश करके भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से डालने से क्या होता है, जब ये पक जाते हैं उसके बाद हम इसे मैश करते हैं, इससे जो हमारी रेसिपी है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने इसको मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस ली है चीज और इसको मैं इस तरीके से ग्रेट करके डाल दूंगी। आप चाहे तो मोजरेला चीज का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप पनीर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बिना चीज और पनीर के भी बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और हमने जो इसमें चीज डाला था फ्लेम बंद कर लिया था उस टाइम और इसको एक अच्छे से हम अपनी फिलिंग के साथ मिक्स कर लेते हैं। चीज डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बच्चे तो इसको बहुत ही मन से खाते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, शाम की छोटी मोटी भूख में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग रेडी है, इसको रख देते हैं साइड, कर लेते हैं हम अपना दूसरा काम। मैंने अब यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें मैं 1 कप डाल दे रही हूँ सूजी, 4 से 5 बड़े चम्मच दही, फ्रेश दही है घर का, और उसी कप से 1 कप डाल रही हूँ मैं पानी। अब हम इसको पीस लेंगे। तो हमने इसको पीस लिया है, इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से मिक्स, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। इस तरीके की फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, इसी तरीके का जो है हमें बैटर चाहिए होगा। तो अब हम इसमें कुछ फ्लेवरफुल चीजें ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ इसमें नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ इसमें साबुत जीरा, इससे इसमें बहुत अच्छा क्रंच आता है, टेस्ट आता है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब सबसे लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 पिंच इनो फ्रूट सॉल्ट। आप इसकी जगह जो मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है एकदम रेडी है। अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके का ग्रिल सॉस पैन लिया है। आप ये जो हमारे घर में गोल नॉर्मली पैन होते हैं वो भी ले सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी को तवे पर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो बैटर है लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाला है चटपटे स्वाद के लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच बैटर भरेंगे और इसमें डाल देंगे। इसे फैलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपनी शेप ले लेता है। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इधर से पकने देते हैं। तो 2 मिनट बाद देखेंगे ऊपर से इस तरीके से ड्राई हो गया है और ये नीचे से भी इसका कलर चेंज हो गया है, पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी ले सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, टोमेटो केचप बहुत पसंद होता है। तो हम क्या करेंगे, टोमेटो केचप को इस तरीके से इस पे स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसको यहाँ पर साइड में एक साइड रख देंगे और ऐसे सेट कर देंगे और इस पे चूल्हा की हेल्प से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको दोनों तरफ से उलटते पलटते क्रिस्पी कर लेंगे।
और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और इस पे ना ग्रिल सैंडविच होता है ना उस तरीके से डिजाइन भी आ गया है। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें, पैन को ग्रीस कर देंगे, एक बड़ा चम्मच बैटर लेंगे, इसमें डाल देंगे। फैलाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है। फिर भी आपको लगे तो थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट तक इधर से सिकने देते हैं। तो ये भी देखिए ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बच्चों की फेवरेट केचप हम इस पे लगा देंगे, फिलिंग लेंगे इस पे, इस तरीके से सेट कर देंगे। अब हम इसको स्पैटुला की हेल्प से पलट लेंगे और दोनों तरफ से एक बार इसको हम गोल्डन कलर आने तक सेक लेते हैं। अगर आपको इसे बच्चों के टिफिन में बना के देना है तो आप रात को सारी तैयारी करके रख दें और सुबह आप इसे बना लें। तो ये हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी सूजी और आलू के नाश्ते बनकर तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना एकदम यूनिक से टेम्पटिंग, और आप इन्हें बिना ब्रेड के सैंडविच भी बोल सकते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो इसको मैंने यहाँ पे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। हमने इसमें टोमेटो केचप लगाया है, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर बनाना हो कुछ हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट में, तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल बटन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।